तो दोस्तों ये वीडियो आप तभी देखना जब आप वाकई में एक न्यू स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। और ऐसे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपका फालतू टाइम जो है वेस्ट ना हो। और जो आज मैं आपको स्मार्टफोन बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग के स्मार्टफोन में से, क्योंकि आज हम सैमसंग कंपनी के एक अपकमिंग न्यू स्मार्टफोन के बारे में जो है बात करेंगे। अब ये स्मार्टफोन थोड़ा सा स्पेशल होगा बाकी स्मार्टफोन से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसे नहीं पता है उसे बताना जरूरी है कि इससे पहले सैमसंग ने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, A71 और A72, और दोनों ही स्मार्टफोन वाकई में काफी पॉपुलर रहे इंडिया में और लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि कोई भी चीज हो तभी पॉपुलर होती है, स्पेशली स्मार्टफोन, और यही सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिला। और इसी वजह से ये स्मार्टफोन काफी सक्सेसफुल रहे। और इन्हीं सबको देखते हुए सैमसंग बहुत जल्द A73 को भी लाने वाला है, जो कि आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा काफी अच्छे फीचर के साथ, और वो भी काफी कमाल की प्राइसिंग के साथ। दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्ट हो सैमसंग गैलेक्सी A73 को लेकर तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि आपको A73 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो है देखने को मिलेंगे और ये स्मार्टफोन आपको कब तक जो है देखने को मिलेगा किस प्राइसिंग के साथ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते होंगे डिजाइन और कैमरे के बारे में। तो इस फोन में आपको रियर में क्वाड रियर कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा, और ऐसे भी लीक्स आ रहे हैं कि इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो है देखने को मिलेगा। उसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी जो है देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 3x ऑप्टिकल जूम का भी जो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही LED के साथ आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर जो है देखने को मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, इस फोन में आपको मेन सेंसर में OIS का सपोर्ट भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे की क्वालिटी काफी बढ़िया रहने वाली है, आप इमेज वगैरह काफी अच्छे क्लिक कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में आपको 6.7 इंच की बड़ी साइज वाली H2 डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगी, जिसके सेंटर में आपको छोटा सा सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 1080p रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस जो है देखने को मिल जाएगी। तो आप इस फोन को इनडोर और आउटडोर दोनों ही यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगी धूप वगैरह में। वहीं इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी जो है देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 45W की फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले, डिजाइन और कैमरे के बाद बात करें दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस फोन में आपको कौन सा प्रोसेसर जो है देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 780G का जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में एकदम काफी बढ़िया प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर 5nm पर बेस्ड है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेसर काफी बढ़िया रहने वाला है गेमिंग के मामले में। वहीं बात करें इस फोन के अदर फीचर के बारे में, तो इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC और सैमसंग की नॉन सिक्योरिटी का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही IP67 की रेटिंग, ब्लूटूथ 5.1 और डुअल स्टूडियो स्पीकर भी जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि UI 4.0 पर बेस्ड होगा। अब आते हैं दोस्तों इस फोन के लॉन्च डेट और प्राइसिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये फोन आपको 3 से 4 हफ्ते बाद जो है देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फोन आपको मार्च के महीने में जो है देखने को मिल जाएगा, यानी कि 10 मार्च तक आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। वहीं इस फोन की प्राइसिंग आपको 30 से 35 हज़ार के बजट में जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा कैमरा देखने को मिले, एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिले, परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया जो है देखने को मिल जाए, तो आप इस फोन का जरूर से वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही थे सैमसंग गैलेक्सी A73 के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।